Okay, so let's move to the okay, so let's move to this this sum. Okay, मेरे पास कोई फिजिकल एड्रेस स्पेस है, लेट्स से 84 GB, एंड लॉजिकल एड्रेस स्पेस लेट्स से 4 GB. ओके, पेज साइज आई एम गिविंग यू 3 क्वेश्चंस, राइट? सो इन फर्स्ट सिनेरियो पेज साइज इज 1 GB. इन सेकेंड सिनेरियो पेज साइज इज 30 KB. एंड इन थर्ड सिनेरियो पेज साइज इज 100 MB. ओके, क्वेश्चन इज इन अबाउट विच सिनेरियो पेजिंग कॉन्सेप्ट इज फेवरेबल. आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? क्या करना है? यस और नो गाइस? वापस रिपीट कर रहा हूं, फिजिकल एड्रेस स्पेस 84 GB, लॉजिकल एड्रेस स्पेस 4 GB. ओके, एंड आई एम हैविंग 3 कंडीशन. पहला कंडीशन, पेज साइज इक्वल्स टू 1 GB, पेज साइज इक्वल्स टू 2 KB और 40 KB, एंड पेज साइज इक्वल्स टू 100 MB. सो इन द अबव क्वेश्चंस, इन द अबव सिनेरियो, व्हाट इज द इन विच ऑफ द अबव सिनेरियो पेजिंग कॉन्सेप्ट इज फेवरेबल. मतलब अगर पेज साइज मेरा 1 GB है तो पेजिंग कॉन्सेप्ट फेवरेबल है कि नहीं, 2 GB है तो पेजिंग कॉन्सेप्ट फेवरेबल है कि नहीं, एंड 300 MB है तो पेजिंग कॉन्सेप्ट फेवरेबल है कि नहीं. क्वेश्चन पता चला सबको? यस सर. एटलीस्ट यू गाइज कैन रेज योर हैंड, अगर इफ यू डोंट वांट टू टर्न ऑन योर माइक, एटलीस्ट यू कैन रेज योर हैंड. मुझे तब पता चले कि हाँ भी पता चला. ओके, सो व्हाट यू विल डू, क्या हमें यहाँ सॉल्व ढूंढना है बताओ. कैसे बोल सकते हो कि पेजिंग कॉन्सेप्ट फेवरेबल है? देव, ध्रुवल, हाँ सर. इसमें क्या करेंगे हम? पेजिंग कॉन्सेप्ट कैसे फेवरेबल रहने वाला है ये सिनेरियो में? अभी क्वेश्चन पढ़ रहा, तब से मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ. 100 MB, 100 MB. कैसे? वो जो पेज साइज होती है ना, वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए. 30 KB बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी और 1 GB बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी. गलत. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो आप लोग इसमें जो बाकी की जो इंफॉर्मेशन है ना वो फाइंड करो, फिर मैं बताता हूँ बाकी की इंफॉर्मेशन. क्या बाकी की कौन सी इंफॉर्मेशन है? फ्रेम साइज, ओके, पेज टेबल एंट्रीज, पेज टेबल साइज,
पेज टेबल एंट्रीज, ओके तो ये फटाफट फाइंड करो, मैं आपको कितने मिनट, 10 मिनट देता हूँ एटलीस्ट, पेज पेज साइज, पेज पेज टेबल साइज, पेज नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, ओके इतना फाइंड करो और मुझे बताओ कि क्या आ रहा है आपका आंसर, हो जाएगा इतना? यस और नो? यार सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ी तो एनर्जी बताओ, हाथ ऊंचा, बस हैंड रेज करना है वो भी कर सकते हो अगर यस बोलना चाहते हो तो। एंड वन मोर थिंग गाइस, टीम में ना एक फैसिलिटी होती है कि जो आपका सिंबल रेड आता है ना, दैट मींस यू आर ऑनलाइन कनेक्टेड, इफ योर सिंबल इज येलो एंड क्लॉक, मतलब आप कनेक्ट करके कहीं दूर चले गए हो, एंड इफ यू आर हैविंग टिक मार्क सिंबल, यानी सिर्फ आप अवेलेबल हो बट यू आर नॉट सीइंग द लेक्चर, ओके सो आपको लगता हो कि आप यहाँ कनेक्ट करके चले जाओ तो पता चलता, बट फाइन, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दिस, हमने इस पे ऑलरेडी 2 या 3 सम्स देखे हैं, आई गेस 10 मिनट्स इज इनफ,
ओके गाइस, एक माइनर चेंज दे रहा हूँ आपको. रेदर देन फिजिकल एड्रेस स्पेस को 4 GB रखते हैं एंड लॉजिकल एड्रेस स्पेस को 84 GB. ओके, जो कर रहे हैं उसका थोड़ा सा उल्टा है, सम को सॉल्व किया तो फर्क नहीं पड़ने वाला, बस इतना ही है फर्क.
Okay, for your ease, guys. Okay, I am changing this number to 64, so that you don't need to waste your time in finding 2 raised to or meaning of 2 raised to. Okay. ओके एनीवन नियर अबाउट टू सॉल्व, किसी ने कुछ सॉल्व किया है? यस सर, आई हैव टेकन पेज साइज एज 3 KB. 3 KB? सॉरी 30 KB. ओके सो क्या आंसर आ रहा है आपका, उसमें क्या आया आपका पेज से? ओके लेट्स सी, लेट मी जस्ट सॉल्व इट आउट. ओके ओके सी, नाउ हियर व्हाट वी आर हैविंग 3 कंडीशन. सो पहले कुछ चीजें जो कॉमन है वो हम कर लेते हैं. क्या लेट्स से लॉजिकल एड्रेस,
ओके सो लॉजिकल एड्रेस मेरा 64 GB का है. ओके तो इफ यू रिमेम्बर ओके 2^6 इज 64 इंटू 2^30 GB का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि यू नीड टू रिमेम्बर दैट MBGB दैट फॉर्मेट. तो 2^30 का मतलब होता है GB, राइट. सो 2^6 इंटू 2^30 सो योर लॉजिकल एड्रेस स्पेस LAS इज 2^36. दैट मीन्स आपका LAS है वो कितने बिट का है, 36 बिट, राइट. एंड अगेन उसके दो पार्ट होंगे, ये क्या होगा पेज नंबर अगेन एंड पेज साइज और पेज ऑफसेट, दोनों में से कुछ ओके आइदर ऑफ देम आप से पूछ सकते. नाउ इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल एड्रेस स्पेस, तो फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या है, 4 GB, यानी दैट इज 2^32. आई होप ये काउंट करने की जरूरत नहीं है आप. ओके सो मेरा फिजिकल एड्रेस स्पेस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LAS एंड दिस इज माय PAS दैट इज ऑफ 32 bits. ओके अगेन इसके भी दो पार्ट्स होंगे, हियर आई विल बी हैविंग फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट और साइज. ओके और साइज. ओके सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग टिल नाउ, ये अभी तक की इंफॉर्मेशन है. नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट सिनेरियो. फर्स्ट सिनेरियो क्या है, द पेज साइज इज ऑफ 1 GB. ओके सो इफ माय पेज साइज, ये मेरा पहला सिनेरियो है, इफ माय पेज साइज इज 1 GB, कैन आई राइट सिंपली 2^30. That means 30 bits is of क्या 30 bits क्या होगा मेरा, ये होगा 30 bits क्या होगा page size, 30 bits क्या होगा पेज नंबर होगा कि पेज ऑफसेट होगा, पेज नंबर या पेज, इट विल बी पेज ऑफसेट पेज साइज ये होगा. ओके सो पेज नंबर भी, सो पेज नंबर विल, बाकी के कितने बिट्स बचे, यानी 6 बिट का होगा मेरे पास पेज नंबर्स. ओके दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो व्हेन एंड लेट. ओके मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ सो दैट आप लोग. ओके नाउ द सेकेंड सिनेरियो वेयर माय पेज साइज इज 30 KB. तो 30 KB का मतलब कितना हुआ, लेट्स से हाँ ओके 30 KB का मतलब कितना हुआ, 2^15 15 bits. लेट्स कीप इट 32, आप लोगों क्या काउंटिंग में डायरेक्ट आ जाएगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा कुछ, बट डायरेक्ट काउंटिंग. तो कितना होगा 2^5 एन, केबी का मतलब होता है 2^10, तो 2^15. ओके एंड सो अगर 2^15 है तो वो सिनेरियो में मेरा पेज ऑफसेट हो जाएगा 15. तो यहां बचा कितना पेज नंबर्स, हाउ मेनी बिट्स ऑफ पेज नंबर्स, ओके so this is my second scenario and let's say my third scenario when page size is of 100 MB, maine likha hai usko let's keep it as 128 MB. okay aap logo ko koi fark nahi padega sum mein because we will be taking round of bits but I don't want to make confuse you at that point so okay so let's say page size will be 128 hoga 7 MB का है 20, so 2^27.
आई होप आप लोग आपके फ्रेंड्स की आवाज थोड़ी बहुत सुनाई दे। सो यहाँ पे 27 बिट्स, तो ये वाला कितने बिट्स का होगा पेज नंबर? 9 बिट्स। करेक्ट, ओके 9 बिट्स राइट। सो ये सिनेरियो हमारा बनता है। तो सिमिलरली हियर आल्सो फ्रेम ऑफसेट विल, बिकॉज फ्रेम ऑफसेट भी सेम होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारा सीनरी यही बनेगा 30। मैं 27 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 15। ओके फॉर फर्स्ट सीनरी 30, 15 एंड 27। ओके सो फ्रेम नंबर्स कितने का, कितने के होंगे? ओके यहाँ पे फर्स्ट विल बी 2 बिट्स। ओके सेकेंड सेकेंड विल बी ऑफ 17 बिट्स। ओके ग्रेट, एंड लास्ट विल बी ऑफ 5 बिट्स। ओके तो ये हमने डेटा पूरा जमा कर लिया अभी तक। ओके सो दिस इज द सिनेरियो। ओके नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिनेरियो what will be the number of pages? Okay, so number of pages iske scenario mein kya hoga? 2 raised to 6 hoge, yes or no? See concept hum log already last lecture mein kar chuke hain, bas maine teen sum ko ek saath diya hai aur kuch nahi kiya hai, three different sums ko maine ek saath diya hai. Okay, so page number of, for the first scenario page number is of 6 bits, to yani total number of pages mere honge 2 raised to 6, right? Ye honge mere total number of pages. Okay, agar total number of pages ye hain to page table mein total number of entries in page table will be also of 2 raised to 6. ओके सो अगर पे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज ये हैं राइट, सो माय साइज ऑफ पेज टेबल विल बी व्हाट? 2 raised to 6 इनटू व्हाट इज द साइज ऑफ फ्रेम फॉर द फर्स्ट सिनेरियो? 2 बिट्स राइट, फ्रेम नंबर की साइज क्या है? 2 बिट्स, तो यहाँ पे इनटू 2। सिमिलरली for the second scenario total number of pages will be 2 raised to 21, total number of page entries will be 2 raised to 21, size of page table will be 2 raised to 21 into 17, kyunki second scenario mein mera frame number 17 bits ka hai, that means to represent a frame number I need 17 bits, so 2 raised to 17, 2 raised to 21 into 17, so that will be my size of page table. Okay, and in the third scenario, okay, in the third scenario, 2 raised to 9 and 2 raised to 9 into 5. Okay, 2 raised to 9 into 5. So अब मुझे ये साइज में बताओ, ये सब साइज में क्या होगी, KBs और MBs में क्या होगी, ये सब फटाफट काउंट करके बताओ। 2 raised to 9 का मतलब कितना होगा? 2 raised to 9 को 5 टाइम्स करो, ओके कीप इट इन दैट वे 2 raised to 9 और 2 raised to 6 के फॉर्म में। चलो अब ये 2 raised to 7 हो जाएगा एक्चुअली। Now that ये हमारा पेज टेबल साइज है, ओके नाउ व्हाट इज माय फ्रेम साइज फॉर ईच सिनेरियो? फ्रेम साइज क्या है? थर्टी
Okay, guys, there was one minor question from offline students. So that was I was seeing tweet. Okay, so frame size kya hoga isme scenario? Is scenario मतलब कि एक फ्रेम के अंदर मैं कितनी साइज का डेटा स्टोर कर सकता हूं? इज दैट 30, 2 raised to 30 और 30? 2 raised to 30, सेम एज पेज साइज. एंड और किसी और का कोई अलग आंसर है? ओके, सो यहाँ पे पेज साइज मतलब कि सी द पेज माय फ्रेम साइज इज फ्रेम साइज या पेज साइज मेरा इक्वल होगा, राइट? तो इन फर्स्ट सिनेरियो आई एम हैविंग 1 GB, वन पेज साइज मेरा अगर 1 GB का है तो फ्रेम साइज मेरा 1 GB का है. 1 GB का मतलब हमने क्या निकाला? 2 raised to 30. सो मेरा फ्रेम साइज भी 2 raised to 30 का है. हम यहाँ पे मेन मेमोरी पे कोई मैंने कंडीशन नहीं दिया कि मेन मेमोरी की साइज कितनी, तो वो हमको सोचना है कि वो इनफाइनाइट है, लेकिन फ्रेम साइज मेरा 2 raised to 30 है. ओके, ये यहाँ पे जरा लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है? ओके, फ्रेम साइज फर्स्ट सिनेरियो के लिए 2 raised to 30 है, सेकंड सिनेरियो के लिए 2 raised to 15 है. ओके, थर्ड सिनेरियो के लिए 2 raised to 27. अब एक बात बताओ, ये जो पेज, ये पेज टेबल होता है, दिस पेज टेबल, ये कहाँ सेव होता है? वेर इट इज सेव, दिस पेज टेबल इज सेव्ड एट विच लोकेशन और विच प्लेस? मेन मेमोरी के फ्रेम्स में. ओके, वी हैव डिस्कस इन इन लास्ट लेक्चर, पेज टेबल क्या होता है? मेन मेमोरी के फ्रेम्स में. तो पेज टेबल की साइज अगर फ्रेम साइज से बड़ी है, सो आई एम आई एबल टू अलोकेट माई पेज टेबल इन टू अ फ्रेम? कर सकता हूं मैं अलोकेट? नहीं कर सकता ना, क्योंकि पेज टेबल की साइज बड़ी है. तो सो हियर इन द फर्स्ट सिनेरियो 2 raised to 7 इज ग्रेटर देन 2 raised to 30. ओके, सो हियर फ्रेम साइज इज ग्रेटर. ओके, नाउ 2 raised to 21 इन टू 17 is greater than 2 raised to 15. 2 raised to 9 into 5 is greater than 2 raised to 27, yes or no? Ek answer to de do. Dhruval, Pujan, Daksh, Dev. Yes sir, it is less. It is smaller. ऐसा, right? Okay. Right? So अगर if my I am not able to allocate my page table completely in a frame, so paging concept क्या है कि page table मेरा एक frame में जाना चाहिए, right? But यहाँ पे तो मेरा page table का जो size है, the page size of the page table is if it is greater than my frame size, so I am not gonna able to allocate it. So hence ये जो सेकेंड वाला जो सीनेरियो है, इट इज नॉट फेवरेबल. बाकी दो फेवरेबल है, बिकॉज दे आर आई एम एबल टू अलोकेट माय पेज टेबल इनटू माय पेज फ्रेम्स. ओके, अगर और ये जिसमें ये जो सेंटर वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें हम क्या करेंगे? मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि पेजिंग कॉन्सेप्ट से हम 2 level पेजिंग पे जाने वाले. क्यों गए थे हम लोग? इनडायरेक्ट इंडेक्सिंग जो हमने सीखा था ना, मतलब दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आया होगा कि यहाँ पे मेन इंडेक्स है, उसके यहाँ पे हम दूसरा एक और इंडेक्स क्रिएट करेंगे, फिर हमें मेन लोकेशन मिलेगा.
टू लेवल राइट। सो ये हम करेंगे क्यों, बिकॉज माई पेज टेबल कैन नॉट बी सेव्ड इन साइड वन फ्रेम। ओके, हेंस द आंसर इज दैट फ्रॉम अबव ओनली पेज वन आंसर वन एंड थ्री आर फेवरेबल, टू इज नॉट फेवरेबल। I hope you are getting it. Okay. Please ek bar ye sum dekh lena. For today, I guess time is already up. So just have a look. Please have a look on this sum. Okay. And we will meet in next lecture. Goodbye. Bye, sir.